करते हैं विकास uh, इस समय संवाददाताओं से बात कर रहे हैं नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ दुली टेकन केयर ऑफ लेट मी दैट इन लाइन विद द प्रवासी भारतीय दिवस विल बी सेलिब्रेटेड बाई दिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जनवरी आर मिशनो बीन टास्क ट सेलिब्रेशन अब्रॉड इंक्लूडिंग द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एड्रेस ऑन दैट ओकेजन डू आई नीड टू से मित्रों में अपनी बात की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ करना चाह रहा हूं जिसके बारे में आपको माननीय विदेश मंत्री के ट्वीट ने अवगत करा दिया होगा प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के विलय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2004 में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के गठन के पश्चात इन दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के लिए दो अलग अलग मंत्री रहे हैं ऐसा वर्ष 2014 के बाद से ही हुआ है कि एक ही मंत्री तथा एक ही राज्य मंत्री का दोनों विभागों को दोनों विभागों का कार्यभार दिया गया हो शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों और भारतीय समुदाय के बीच मौजूद स्वाभाविक सहक्रिया का उपयोग करने के लिए कुछ अधिक करने की जरूरत थी और मंत्रालयों का विभाजन अप्रासंगिक था जिसके परिणाम स्वरूप कार्यों का दोहराव और अनावश्यक देरी हो रही थी जैसा कि आप जानते हैं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के समस्त निर्णयों और नीतियों का प्रभाव विदेश स्थित हमारे मिशनों पर पड़ता है जो कि इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं वास्तव में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी हमारे मिशनों द्वारा प्रवाद प्रदान किए गए आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता था इसलिए न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन के सरकार के समग्र उद्देश्य के अनुरूप मंत्रालयों के समामेलन की प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है वर्तमान में समामेलन की प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं तथा आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी विदेश मंत्री द्वारा इन व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान संसाधनों एवं क्षमताओं को सुदृढ़ कर लिया गया है और भारतीय समुदाय की सभी आवश्यकताओं एवं सरकारों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप जो बता रहे थे कि विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय अभी तक अलग अलग हुआ करता था इन दोनों के विलय को प्रधानमंत्री ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब एक ये एक मंत्रालय हो जाएंगे ये जानकारी ये संवाददाताओं को दे रहे थे बढ़ते हैं